الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم معزز سامعین جمعہ کا دن ہے جمعہ کے ربیع الاول کی ماشاءاللہ یہ چاند کی 14 تاریخ اور
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल एक सुन्नत थी, अय्याम 20 के रोज़े रखते थे, 13, 14, 15 तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल ये भी था सहाबा इकराम का कि पीर के दिन का रोज़ा और जुमेरात का रोज़ा। तो जुमे के दिन जो है, ये दिन तो बहुत फ़ज़ाइल वाले हैं, इस जुमे वाले दिन की एक सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जन्नत के अंदर भी अल्लाह जल्ला शानुहु इस जुमे के दिन को सबको इकट्ठा फरमाएंगे, अव्वलीन आखरीन नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सारे जन्नतों को इकट्ठा फरमाकर फिर अल्लाह जल्ला शानुहु अपना ख़ास फ़जल की तजल्ली भी फरमाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत भी सुनेंगे। और अल्लाह जल्ला शानुहु बहुत सी रवायात में आया कि ख़ुद अपने कलाम भी कलाम पाक की तलावत ख़ुद सुनाएंगे, सूरह इनाम सुनाएंगे, सूरह रहमान सुनाएंगे, सूरह तौहा सुनाएंगे। तो बहरहाल ये जुमे का दिन है, जुमे के दिन के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, इसकी मुस्तकिल सुन्नतें भी हैं कि सदका जुमे वाले दिन करें और जुमे वाले दिन गुसल करना और मिसवाक करना और खुशबू लगाना। खुशबू जो है वो लगाना भी मसनून अमल है। और घर से जब आदमी वज़ू किया, गुसल किया, फिर अच्छे कपड़े पहनकर जब मस्जिद की तरफ चलता है तो हर हर कदम के ऊपर एक साल की तहज्जुद का, एक साल के रोज़ों का हर कदम के ऊपर और एक साल की नफली इबादत का सवाब अल्लाह जल्ला शानो अजर अता फरमाते हैं। और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं, हर हर कदम के ऊपर गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। और गोया ये मस्जिद की तरफ जा रहा ऐसा है जैसे अहराम बांधकर हज पे जा रहा। और गोया एक रवायत में आया फरमाया कि ये ऐसा है जैसे अल्लाह की ज़ात का दीदार करने, ज़्यारत करने, मुलाकात करने जा रहा। मस्जिद जन्नत के बाद दुनिया में जिस शख्स का मस्जिद में दिल नहीं लगता तो ये बहुत नुकसान की बात है। फरमाया जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे, लगे मस्जिद में जाने को दिल करे, मस्जिद में बैठने को और मस्जिद के लिए बेचैन हो जलने के लिए, तो फरमाया कि मस्जिद में बार बार जिसको देखो तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। और फरमाया कि जो मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, चार खुशखबरियाँ उनके लिए हैं कि बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह जल्ला शानुहु उनको जन्नत में दाखिला अता कर। जो मस्जिद में अक्सर रहता है फरमाया कि फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं। और मस्जिद में दाखिल होने की पहली दुआ भी यही है, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। इससे पहले बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, हुज़ूर के ऊपर सलाम पढ़े, दाएँ पाँव से दाखिल हो और फिर दरख्वास्त अल्लाह के दरबार में ये दे कि या अल्लाह मैं तेरे दरबार में, तेरे जन्नत में, तेरे घर में आ गया, अब मेरे लिए रहमतों के दरवाज़ों को तो खोल दे। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। तो अल्लाह की रहमतें जब तक मस्जिद में बैठा रहेगा उतरती रहेंगी, और जितनी देर ये मस्जिद में बैठेगा इसके माँ और बाप जो फोत हो गए उनकी कब्रों में अल्लाह की रहमतें बरकतें बरसेंगी। जितनी देर मस्जिद में ये बैठेगा उधर उनके दर्जात बुलंद होंगे, दादा दादी नाना नानी जहाँ से सिलसिला चला। तो मस्जिद में ये बैठेगा वहाँ उनके दर्जे बुलंद होना शुरू हो जाएंगे, जितनी देर सजदा किया उधर उनके दर्जे बुलंद होंगे, और कुरान की आयत मुबारक पढ़ेगा उधर उनके दर्जे बुलंद होंगे, दुरूद पढ़ेगा उधर उनके दर्जे बुलंद होंगे, यहाँ सदका करेगा उधर उनके दर्जे बुलंद होंगे, यहाँ ज़कात देगा उधर उनके दर्जे बुलंद होंगे, यहाँ बीमार की इयादत करेगा उधर उनके दर्जे बुलंद होंगे। और अल्लाह ना करे अगर यहाँ ये जुल्म करेगा तो वहाँ माँ और बाप की, दादा दादी नाना नानी की कब्र में पिटाई होगी, परेशानी होगी। अगर गुनाह करेगा तो वहाँ उनको तकलीफ होगी, अगर नेकी करेगा तो वहाँ उनके दर्जे बुलंद होंगे। तो ये इंसान बाज़ दफ़ा सोचता है कोई बात नहीं जी मैंने गुनाह किया है मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका। नहीं भाई जान, आपने गुनाह तो किया है, तौबा अल्लाह ने इसलिए रखी है फ़ौरन तौबा कर लें ताकि वो गुनाह जो आपने किया क़्यामत तक नस्लों में वो गुनाह ना चले, इसलिए तौबा है।
इसलिए इस्तग़फ़ार है। पाँचवा छठा कलमा तौबा और इस्तग़फ़ार का है। जो बंदा कर लेता है, फरमाया कि उसके पिछले अगले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा के जन्नत उसके ऊपर वाजिब कर देते हो। एक रवायत में आया उस दिन अगर फौत हो जाए शहीदों के साथ अशर। तो तौबा करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना कि अल्लाह मैं गुनहगार हूँ और मैं जो है मुझसे ये जुल्म हो गया, गुनाह हो गया। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजअ इंदी मिन अमली। एक साहिब तशरीफ़ लाए हुज़ूर के दरबार में, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर बैठे और सारा मजमा सहाबा इकराम का बैठा था। फरमाया हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। तो जब ये तीन मरतबा उन्होंने फरमाया हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मुतवज्जे हुए। फरमाया क्या हुआ? कहा गया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बहुत ज़्यादा गुनाह हैं और मुझसे बड़ी कमियाँ हो गई, कुताहियाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजअ इन्नी मिन अमली। ये पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने के ऊपर उन्होंने पढ़ लिया। फिर फरमाया फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजअ इन्नी मिन अमली। फिर पढ़ा, हम भी पढ़ लें एक दफ़ा, तीन दफ़ा पढ़ लें। फिर फरमाया फिर पढ़ो। जब दो दफ़ा सहाबी रसूल ने पढ़ लिया, फरमाया फिर पढ़ो। फिर पढ़ा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजअ इन्नी मिन अमली। तीन दफ़ा पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ के ऊपर हाथ मारा और फरमाया कि उठ, अल्लाह जल्ल शानों ने तेरे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए। अब ये कितना आसान नुस्खा है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजअ इन्नी मिन अमली। पाँचवा छठा कलमा तौबा और इस्तग़फ़ार का। बड़े बड़े गुनाह हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहू अमदन, यहाँ अमदन पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहू अमदन अव ख़तअन सिर्रन अव अलानियतन व अतूबु इलैही मिन अज़्ज़म्बिल लज़ी ला अअलम ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। अब ये बड़े बड़े गुनाह हैं, अल्लाह की रहमत में ये चला जाता है, सारे माफ़ हो जाते हैं। फिर देखें एक मरतबा अल्लाह की ज़ात को पुकारता है, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। फरमाया जो शख्स दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, किसी वक्त भी ये पढ़ता है ला इलाहा, पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये पढ़ता है तो जब ये पढ़ता है तो इसके पिछली ज़िंदगी के अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं इसके सारे गुनाह मिटाओ और नेकियां लिख दो। इसके गुनाह मिटाओ और क्या करो, इसके गुनाह मिटाकर नेकियां लिख दो, बुराइयां मिटाओ और गुनाहों की जगह नेकियां लिखो। तो यानी इतना बड़ा कलमा है। तो सहाबा इकराम बड़े खुश हुए इस पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इतने बड़े बड़े आमाल बतला दिए, तो हम भी तौबा भी करें, इस्तग़फ़ार भी करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मसले का हल अल्लाह पाक ने बतला दिया। और बाज़ दफ़ा आदमी नेकी करता है, वो समझता है मैंने की है कोई मसला नहीं है, इसने नेकी की, क़्यामत तक उस नेकी का असर नस्लों में चलता है। परिंदों को अल्लाह की रहमत उतरती हुई नज़र आती है, परिंदे इससे मोहब्बत करते हैं। जब नेकी करता है, गुनाह से तौबा करता है, तो अल्लाह की रहमतें बरकतें, क्योंकि हमारे ऊपर तो इम्तिहान है, फरिश्ते को हम देख नहीं सकते, वो उतरते हुए आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब जलजला आने लगा तो 7 दिन पहले कुत्ते जो है ना वो रात को ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालें, रोएँ, तो वो उनको परिंदों ने अपने घोंसले खाली कर लिए जी 3-4 दिन पहले, और जलजला आने वाला, तो उनको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो तौबा एक ऐसा अमल है कि मुकद्दर और तकदीर अल्लाह जल्ला शानो बदल देते हैं, तौबा के ऊपर बदलते हैं। देखें आज तक हमने ज़कात नहीं दी, तो हम तौबा करें। आज तक हमने बेटियों का विरासत में से हिस्सा नहीं दिया, हम तौबा करें। और बहनों का विरासत में से हिस्सा नहीं दिया, उसके ऊपर तौबा करें, उनको हिस्सा दें, उनको हिस्सा दें। और पड़ोसी यतीम, बेवा, कस्म पुरुष लोग, सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो उनकी हम इयानत करें, मदद करें, तो क्या होगा, हमारे जितने बड़े फौत हो गए उनके दर्जात उनकी कब्रों में बुलंद होंगे, उनकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी, उनकी ठंडक मिलेगी उनको।
जितने जो जो ये नेकी करता है उधर वो खुश होते हैं, उनके दर्जे बुलंद होते हैं, इसकी ज़िंदगी फिर आसान हो जाती है, इसके काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो पिछली ज़िंदगी के ऊपर मैं भी तौबा करूँ, आप भी तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। तो मस्जिदें हम आबाद 24 घंटे कैसे करें? 24 आदमी हैं, दो दो घंटे दे देंगे तो अभी मस्जिद आबाद हो जाएगी। मस्जिद को 24 घंटे, मस्जिद को ताला लगाना, अक्सर ताले लगे होते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे, तो मस्जिद को ताला लगाना ये भी जायज़ नहीं है, ये हलाल काम नहीं है। मस्जिदों को ताला, अल्लाह के दर को ताला, 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरकत बरस रही है और ताला हो। कभी हम शहरों में जाते हैं देखते हैं कि मस्जिद कोई ताला लगा हुआ है, कुंडा लगा हुआ है। तो ये फरमाया कि ये बहुत अल्लाह पाक को नापसंद है। अल्लाह के दरबार में देखो ना, एक आदमी वज़ीर आज़म हाउस को जाके ताला लगा दे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस को, प्रेसिडेंट हाउस को जाके ताला लगा दे, तो घर है उसको बाहर से ताला लगा दे, हाँ जी, जो भी आए वो फिर के चला जाए। तो अल्लाह के दरबार को ताला नहीं, अल्लाह के घर, घर तो इसलिए बनाया कि हम उसको आबाद करें, हम अपनी हाजतें सारी की सारी उधर रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज का पीछे मैंने जिक्र किया था, तशरीफ़ लेकर गए तो पूछा कि ऐ मेरे नबी जी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए? तो अर्ज़ की, या बारी ताला, मैं आपके लिए तीन चीज़ें लेकर आया हूँ, तीन बातें। अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु लिल्लाह व तय्यिबातु लिल्लाह। सारी जानी माली कौली फेली जितनी इबादतें हैं ये सिर्फ अल्लाह ही के लिए, या अल्लाह तेरे लिए। तो अल्लाह पाक बहुत खुश हो गए, फरमाया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए मेरे नबी जी, आपके ऊपर सलामती हो, आपके ऊपर रहमतें हों, आपके ऊपर बरकतें हों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए कि मेरे ऊपर सलामती और मेरे ऊपर रहमतें बरकतें तो हो गईं, लेकिन उम्मत के लिए फ़िक्रमंद बहुत ज़्यादा थे और फ़ौरन परेशान हुए, और ये ज़ुबान से निकला तो मेरी और आपकी नमाज का हिस्सा बन गया, और फ़ौरन अपनी उम्मत को याद किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि मेरे मानने वाले, मेरे अल्लाह के मानने वाले, मेरी शरीयत के ऊपर चलने वाले, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा और मैं उनके ऊपर भी सलामती हूँ, अल्लाह की रहमतें बरकतें हूँ उनके ऊपर भी हूँ। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के वली जितने भी हैं, अल्लाह वाले जो हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो मानने वाले हैं, ईमान बिल गैब, ये सब अल्लाह के वली हैं। फिर वलायत के अपने दर्जे हैं, यानी कोई पहली क्लास में है, कोई दूसरी क्लास में है, कोई पाँचवीं में है, कोई छठी में है वलायत की, कोई दसवीं में है, कोई बिल्कुल एंड के ऊपर है, तकवे के आला दर्जे के ऊपर है। और उसके लिए ये जायज़ ही नहीं है कि वो एक रुपया भी जेब में रखे, वो अपना सारा कुछ अल्लाह के नाम पे लगाता है। उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो पैसे जमा करे, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो चीज़ों को इकट्ठा करे, वो दुनिया में लगे। तो ये तकवे का आला दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी माल था वो शाम को फरमाया कि अरे आयशा, मैं घर नहीं आता, वो माल आया हुआ जब तक वो तकसीम ना हो जाए, मैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि उस माल के साथ मैं अपने साथ रात गुजारूँ। तो हमारी जेबों में कितने कितने पैसे पड़े होते हैं, हाँ जी, हमें फिक्र ही नहीं होती। तो ये माल जो अल्लाह ने दिया, इसमें फिर हिस्सा है, इसमें ज़वील ख़ुरबा पहला हिस्सा करीब वालों का, वल यतामा यतीमों का हिस्सा है, वल मसाकीन मसाकीन का हिस्सा है, वबन सबील इनका हिस्सा है, वसाइलीन सवाल करने वालों का हिस्सा है, और फिर फरमाया लिस्सा इली वल महरूम कुछ लोगों का ऐसा हिस्सा है, वो मेरे और आपके जहन में ही नहीं है, मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे दिया, बस जिसकी वजह से दिया है पड़ोसी की वजह से उसके ऊपर मैं खर्च करूँ, मैं खर्च ही नहीं करता, इसलिए माल के अंदर फिर तंगी आ जाती है, नुकसान हो जाता है। वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील वसाइलीन वफिर रिकाब, किसी के ऊपर कोई अदालत में चला जाए, कैदो बंद हो जाए और परेशानी आ जाए और झूठा मुकदमा बन जाए, अभी झूठे मुकदमे कितने हमारी अदालतों में चल रहे हैं, 1 साल 11 साल बाद उसके हक में फैसला हुआ तो उसको बेगुनाह साबित किया, 11 साल बाद, 11 साल कितना बड़ा जुल्म है। आप मुझे बताएं, ये ज़िंदगी के 11 साल इसकी माँ को जो इसकी ज़रूरत थी, इसकी बीवी को, इसके बच्चों को, इसके वालदैन को, इसके घर वालों को, अब उन 11 सालों का हिस्सा वो जज साहब कहाँ से देंगे क़यामत वाले दिन? और जिसने झूठा इल्ज़ाम केस बनाया था वो कहाँ से देगा? तो ये जुल्म है, जुर्म है, और अल्लाह माफ़ कर दे, हमारी तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल मैं एक जिक्र खैर भी करूँगा, नेक लोग हर शोबे में अल्लाह चलाते हैं, और मैं चला गया चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट, मैं उनको बहुत सलाम पेश करता हूँ, और मैं दिल से बड़ी कदर करता हूँ। अल्लाह की शान, मेरा कोई मसला था वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ पहुँचे देखा उन्होंने, कहा कि मौलाना ऐसे ही उधर बैठे हुए, फरमाया भाई आप क्यों आए हैं, क्या मसला है आपका? मैंने कहा हज़रत जी मेरा ये मसला है, और मैं तो गलती से, शायद अल्लाह ने आपसे मुलाकात करवानी थी इसलिए आ गया, हम भी तो कभी आते नहीं हैं आपके पास, तो हम तो वैसे ही डरते रहते हैं।
तो मुस्कराने लगे, कहने लगे आप आएँ छोड़ें, सबकी तारीखें हो जाएंगी, पहले आएँ अपना मौक़िफ़ बयान करें, आपके साथ क्या मसला हो गया। तो फिर वकीलों से कहा कि भाई इंग्लिश में बात नहीं कर रही, कोई सवाल जवाब उर्दू में बात करनी है, वरना ये अरबी में करेंगे फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो उनको पाबंद किया और कहा कि इनकी बात सुने, और फिर एक बात फरमाई कि आपने अपना मौक़िफ़ सुनाने के बाद गुस्ल के फ़र्ज़, इस्तंजा के आदाब, 36 आदाब हैं इस्तंजा के, ये बताना। ये हमारे इस जगह के सारे खतीब और इमाम हैं इस इन अदालतों के, और ये बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इबारत पड़ी अरबी की, और फरमाया कि इनको इनको गुस्ल के फ़र्ज़, वज़ू के फ़र्ज़ आदाब शायद ना आते हों, थोड़ी सी ताजगी आपने वो करानी है, वो आपका काम है, तो हमारे ज़िम्मे जो काम है वह हम करेंगे। मैं तो बड़ा खुश भी हो गया, परेशान भी हो गया, मैं आगे इधर बात करूँगा, बड़े बड़े लोग माशाल्लाह समझदार, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अनवर कासिम साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे, उस वक्त चीफ जस्टिस थे। तो मेरा पूरा मौक़िफ़ सुन के फिर अटारनी जनरल से पूछा, उन्होंने 3 सवालों के जवाब दिए, कहा कि अच्छा अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। तो थोड़ी सी बात मैंने की, तो कहने का मेरा प्यारों मेरा मकसद ये है कि हम दुनिया के अंदर जो है, उन्होंने फिर बात की, तो जब मैं गुस्ल के 3 फ़र्ज़ मर्दों के और मस्तूरात के 4 फ़र्ज़ वहाँ गिनकर आदाब इस्तंजा बताकर जब बाहर निकला, तो वो कला की सारी जमात ने मेरी तरफ दौड़ी, और उन्होंने कहा भाईजान आपने मौले साहब ये जो बात की है, तो उनके ख़तीब साहब भी हाई कोर्ट के मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा हज़रत आपने तो ये अमाल तो बदला दिए हैं, अब ये मेरी जान पीछे खाएंगे तो मैं किधर से दलाइल दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूँ, मुझे बुला लेना, मैं बैठूंगा और आपको फ़लाँ फ़लाँ मैं समझा देता हूँ, आप बात कर लें, कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे, चीफ़ जस्टिस साहब की बात आ गई कि हमारी अदालतों में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख कर फ़ैसला करते, वो ये देखते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ ना हो, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। अच्छा फिर मैं आखिरी तारीख बोल गया जिसके बाद मेरा फ़ैसला था, तो मेरे घर 10 पुलिस वाले गाड़ियों समेत तशरीफ़ लाए, और उन्होंने पैगाम दिया, लोग मोहल्ले वाले परेशान कि आज इतनी पुलिस किधर आ गई भाई। मैंने कहा यार मेहमान है मेरे, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल उन्होंने बताया जी कि उन्होंने याद दहानी करवाई है, कल आपका परसों फ़ैसला है, तो ये ना हो आप ना हूँ, आप मसरूफ़ बहुत होते हैं, तो आपने वहाँ मौजूद होना है, तो आपका फ़ैसला है। तो कहने का मेरा मकसद ये है मेरे प्यारों, तो उन्होंने गुस्ल के फ़र्ज़, तो मौलाना जब वो कार्रवाई शुरू करते थे तो ख़तीब साहब जो है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के वहाँ साथी, वो माशाल्लाह जो है वहाँ पहले कुरान की तलावत दर्स देते थे, तर्जमा तफसीर बयान करते थे, उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो। तो अच्छे लोग भी हैं। बहरहाल ये उनका जिक्र खैर आ गया। कल परसों एक हमारे मोहसिन हैं, दोस्त हैं, उनका भी केस था अदालतों में झूठा मूठा, यहाँ तो पाकिस्तान में तो ऐसा ही, अल्लाह माफ़ कर दे, बाहर के मुल्कों में तो हम उनको, हम रोज़ाना बददुआएं तो काफ़र को करते हैं, लेकिन अंदर का काफ़र हमारा मरता कोई नहीं, अंदर का जो काफ़र है ना, ये इधर अंदर जो कुफर है ना, हम बाहर के काफ़र को देखते हैं, लेकिन